हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के बारे में। दोस्तों, स्टॉक में कंटिन्यू आईपीओ आया, आईपीओ के बाद कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। जिस दिन आईपीओ आया उस दिन आईपीओ जो है वो हमें डिस्काउंट में देखने को मिला। डिस्काउंट आईपीओ होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू हमें यहाँ पर जंप देखने को मिला है। 20-20% के अपर सर्किट भी लगे, उसके बाद यहाँ पर 10-10% की सर्किट लिमिट अभी के टाइम हो चुकी है। क्या यहाँ पर मेरा व्यू है ओला को लेके? देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मली नंबर्स देख लेते हैं। स्टॉक आपका ओपन होता है 139 रुपीज़ पे, 146 का हाई लगाता है, 136 रुपीज़ का लो लगाता है, एंड ओवरऑल स्टॉक क्लोजिंग दिखाता है अपर सर्किट में। उसी के साथ साथ अगर अभी के टाइम में बात करूँ डिलीवरी की, तो नॉर्मली 25% क्वांटिटी ही डिलीवर हो रही है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कल के लिए होल्ड कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉर्निंग में बाई कर रहे हैं, और इवनिंग तक जैसे स्टॉक मतलब अपर सर्किट में या फिर अच्छा खासा ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ हो रही है, मतलब इंट्राडे में लोग पैसा बना के निकल रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक में HSBC ने एक बाइंग की रेटिंग दी थी, जिसमें 140 रुपीज़ तक के इन्होंने टारगेट्स रखे थे, एंड वो टारगेट ऑलमोस्ट अभी के टाइम हिट हो चुके हैं। जो इन्होंने टारगेट दिए थे वो तो हिट हो चुके हैं। इस वजह से जैसे ही उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी, स्टॉक भागने लगा, कंटिन्यू अच्छा खासा जंप किया। बट अभी के टाइम हमें थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनली व्यू है, आपका व्यू हो सकता है कुछ और भी हो, आप 200-250 के टारगेट लेके बैठे हो, बट मैं यहाँ पे क्या टारगेट, मेरा व्यू क्या है वो मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ, तो वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आपके क्या व्यू है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओला में मेरा सबसे पहले लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो लॉन्ग टर्म मेरा क्या नज़रिया है वो चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लॉन्ग टर्म समझने की कोशिश करते हैं। ओला जो कंपनी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टू व्हीलर बनाती है। ऐसे में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल फ्यूचर जो है वो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखने को मिल रहा है। अभी जैसे मोटर्स की बात की जाए तो जो फोर व्हीलर है वो भी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक देखने को मिल रही है, एंड टू व्हीलर जो है वो भी धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक हमें होते हुए नज़र आ रही है। फोर व्हीलर में टाटा ग्रुप जो है, टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छे स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है भारत में। वही अगर बात की जाए टू व्हीलर में, तो टू व्हीलर में हीरो मोटो कॉरपोरेशन भी है, ओला भी है, और भी दोस्तों यहाँ पर रतन इंडिया पावर भी है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर बनाती है। तो ये हर चीज़, ये सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि ओला जो कंपनी है वो यहाँ पर टू व्हीलर तो बनाती है, कंपनी की अच्छी खासी मार्केट शेयर्स भी है, बट ओवरऑल कंपनी लॉस में। कंपनी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमें मार्केट कैप अभी 64,000 करोड़ का हो चुका है, बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठी है कंपनी। आईपीओ आया था वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्केट कैप। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो ROC है वो टोटल माइनस में है, ROE यहाँ पे है भी नहीं, बुक वैल्यू जो है वो अभी तक शो नहीं हो रही है, कंपनी का जो पी रेशियो है वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ओवरऑल लॉस में। 76 पे लिस्ट हुआ, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लोग अंधा पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं आंख बंद करके। ओला जो है वो अभी के टाइम इस तेज़ी की वजह से टॉप फोर में आ चुकी है, चौथे स्थान पे ओला इलेक्ट्रिकल आ चुकी है। टोटल जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियाँ हैं, उन ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, उन सेगमेंट में पहले स्थान पे आपकी आती है आइजर मोटर, सेकंड पे TVS, थर्ड पे हीरो मोटर कॉरपोरेशन, एंड फोर्थ पे हमें ओला देखने को मिल रही है। तो ओला में अभी के टाइम अगर इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, 1243 करोड़, 1598 करोड़, 1644 करोड़। ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ रही है। कंपनी के जो मार्जिनस है जो नेगेटिव में थे वो प्लस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 18% माइनस, 20% माइनस, अभी सिर्फ 12% माइनस। अब देखिए, जैसे जैसे ये मार्जिन माइनस से प्लस में जाएंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी प्लस में चला जाएगा, एंड कंपनी जो ओवरऑल जो लॉस में है वो भी प्लस में जाने की कोशिश कर सकती है। बट यहाँ पे सिर्फ एक मार्जिन की वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी प्लस में जाएगी, हमें Q2 के रिजल्ट्स का भी इंतज़ार करना होगा। ये जो स्टॉक में तेज़ी बन रही है ये सिर्फ एक फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से, HSBC की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है, बट हमें थोड़ा बहुत जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ। ओला में अभी के टाइम अगर आप ईयरली देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स तो बढ़ी रही है, 5,000 करोड़ सेल्स बढ़ रही है। कंपनी के जो मार्जिन्स जो नेगेटिव में थे 214% 48%, अभी सिर्फ 25%। अगर ये मार्जिन प्लस में आ जाते हैं तो ये अच्छी बात है, बट हमें इसके लिए 1-2 का इंतज़ार करना पड़ेगा कि हाँ भाई कंपनी वाकई में मार्जिन्स कंटिन्यू प्लस में लाने की कोशिश कर रही है, या फिर 1-2 में ही कंपनी ने कुछ ऐसा डेटा पेश किया है जो कि मार्जिन्स प्लस में दिखे, तो उसका भी हमें वेट करना होगा। ओला में नॉर्मली हमें कंपनी के 1-2 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो 2
Q3 हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें कंपनी का ट्रेंड पता चलेगा कि फाइनेंशियल्स कंपनी की किस दिशा में जा रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी अभी तक ओवरऑल लॉस में, बड़े लॉसेस यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू कर रही है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो देखिए रिजर्व जो है वो माइनस में, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे माइनस के नंबर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। 2900 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है माइनस में, कंपनी की डेट बहुत ज़्यादा है, 5600 करोड़ का डेब्ट है, और उसी के साथ साथ कंपनी के जो एसेट्स है वो टोटल 7700 करोड़ के हैं। कंपनी के एसेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए डेब्ट एसेट दोनों इक्वली देखने को मिल रहे हैं, रिजर्व जो रिजर्व है उसको कैलकुलेट करके। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोमोटर्स है ही नहीं बिल्कुल, 36% प्रोमोटर्स से बहुत कम है, प्रोमोटर्स से ज़्यादा तो आपकी पब्लिक है। DIs FIs यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, DIs FIs से ज़्यादा पब्लिक के पास है, मेन पब्लिक ही है दोस्तों। तो पब्लिक किस दिशा में लेके जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कुछ पैनिक हुआ पब्लिक बेचेंगे, थोड़ा सा स्टॉक में हवा आने लगी, मान लो कोई न्यूज़ देखने को मिली तो पब्लिक बाई करेगी, सिंपल सी चीज़ है। पब्लिक वाले स्टॉक में हाई वोल्टिलिटी देखने को मिलती रहेगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस स्टॉक नॉर्मली मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूँगा, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। अब छोटी अगर कंपनी होती तो चलो वहाँ पे मान भी लेते, बट बड़ी कंपनी है, पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, और 60,000 मार्केट कैप वाली कंपनी है, 60,000 करोड़ मार्केट कैप वाली, पब्लिक की होल्डिंग इतनी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर FI एंड DI वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं है, मुझे इसके Q2 का भी इंतज़ार रहेगा। Q2 में देखना पड़ेगा कि पब्लिक की होल्डिंग कम होती है या फिर इंक्रीज होती है। अगर Q2 के रिजल्ट्स में FI वाले यहाँ पर निकलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ओला को लेके यहाँ पे मेरा क्या व्यू है, सिंपल सा व्यू है, अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से हूँ तो इस स्टॉक में ऐड कब करूँगा, ऐड बिल्कुल नहीं करूँगा अभी के टाइम, Q3 के रिजल्ट्स का वेट करूँगा, एंड रिजल्ट्स देखूँगा कि कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं है, उस हिसाब से मैं सेफ इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर स्टॉक मुझसे मिस हुआ तो भी मेरी कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर रही बात शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये है कि स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट आ चुका है, भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना चाहिए। 10% के पीछे 10% तेजी के लालच में हमें अपने कैपिटल को नहीं फंसाना है। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री को नॉर्मली मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा, फ्रेश एंट्री को मैं अवॉइड करूँगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये भी है, अब लोग यहाँ पे मेन जो फोमो, मैं जो हमेशा मना करता हूँ कि फोमो में आके बाई नहीं करना है, अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, अब उनको लग रहा है कि कमा के तो ओला ही देगा, तो उस हिसाब से अब वो यहाँ पे बाई करेंगे फोमो में आके, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो फोमो में आके बाई नहीं करना है, स्टॉक को रुकने देना है, कंपनी के Q2 रिजल्ट्स, Q3 रिजल्ट्स का वेट करना है कि हाँ भाई कंपनी रियली ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, उस हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक दो रिजल्ट से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता फ्यूचर का, फ्यूचर में हो सकता है ओला और भी नीचे जाए, हो सकता है मल्टीबैगर भी बने, बट फ्यूचर में इसके कंपिटिटर भी तो आएंगे, सिर्फ ओला थोड़ी है, हीरो मोटर कॉरपोरेशन भी है और भी कंपनियां हैं। तो उस हिसाब से जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हम डिसीजन दे सकते हैं, बट अभी के टाइम तेज़ी को देख के किसी प्रकार की कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। थैंक यू।